राम राम दोस्तों, मैं भगवान राम का वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको प्रभु श्री राम के मंदिर के अद्भुत अलौकिक रूप एवं अयोध्या के त्रेता युग से भी सुंदर भव्यतम स्वरूप के विषय में सबसे नवीनतम एवं एक्सक्लूसिव जानकारी प्रस्तुत करूँगा। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के दिव्य रूप के दर्शन पाते ही एक ही पंक्ति स्मरण में आती है कि दर्शन पाके हे अवतारी, धनी हुए हैं नैन पुजारी, जीवन नैया तुमने तारी, मंगल भवन अमंगल हारी। यानी प्रभु श्री राम के अवतार के दर्शन पा करके हमारा जीवन धन्य हो गया है और हमारे समस्त मंगल को लाने वाले प्रभु श्री राम हमारे समस्त कष्टों को दूर करने वाले हैं। ऐसे दशरथ नंदन प्रभु श्री राम करोड़ों जन के हृदय में अमिट रूप से बसे हुए हैं, जिनको विस्मित कर पाना असंभव सा प्रतीत होता है। सामने दृष्टिगत अद्भुत अलौकिक स्वरूप प्रभु श्री राम के मंदिर के अति विशिष्टतम द्वार, जहाँ से विशिष्ट अतिथियों का आगमन होता है, वहाँ पर प्रवेश द्वारों को बहुत ही सुंदर ढंग से अद्भुत अलौकिक रूप में सजाया संवारा गया है। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री के आगमन से संपूर्ण अयोध्या को स्वर्ग की तरह सुंदर एवं त्रेतायुगीन स्वरूप में भव्यता प्रदान की गई है। सामने आप देख सकते हैं कि यह प्रभु श्री राम के मंदिर के रात्रिकालीन परिदृश्य का सबसे नवीनतम वीडियो है, जो कि आपको कहीं भी अन्यथा देखने को नहीं मिलेगा। और आप यहां देख सकते हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर की जो रात्रिकालीन छटा है वह कितनी अधिक मनोहर एवं दिव्यतम प्रतीत होती है। और यहाँ पर बेहतरीन लाइटिंग से संपूर्ण राम जन्मभूमि परिसर को दुल्हन की तरह सजाया संवारा गया है। और यहाँ पर विभिन्न कलर्स में जो लाइटिंग की गई है वह इस परिसर की शोभा में चार चांद लगा देती है। उत्तरी छोर पर प्रभु श्री राम के भव्य लाइटिंग से सजे भव्य पोस्टर के ठीक नीचे अद्भुत चौपाइयाँ लिखी हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें ही सब कोई। अर्थात जिस पर प्रभु श्री राम की अपार कृपा दृष्टि प्राप्त होती है उसे संपूर्ण संसार का सहयोग स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। प्रभु श्री राम के मंदिर के भव्य स्वरूप को यदि हम पूर्व दिशा से देखें तो यहाँ पर जो सिंह द्वार की आभा काफी अधिक सुंदर एवं अद्भुत प्रतीत होती है। और इसके ठीक पीछे नित्य मंडप के शिखर पर बना हुआ जो त्रिशूल है वह इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देता है। और साथ ही यह संपूर्ण परिसर अद्भुत बैंगनी रोशनी में सजाया और संवारा गया है। और यहाँ पर विभिन्न कलर्स में जो लाइटिंग की गई है वह इस परिसर को बहुत ही सुंदर एवं दिव्य बना देती है। यहाँ पर जो अद्भुत लाइटिंग की जो व्यवस्था है वह इतनी अधिक बारीकी से की गई है कि यहाँ पर आपको सभी शिखर बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहे होंगे, चाहे वह सिंह द्वार का शिखर हो अथवा नृत्य मंडप, रंग मंडप अथवा निर्माणाधीन कीर्तन एवं प्रार्थना मंडप के शिखर हों, सभी पर अद्भुत लाइटिंग बहुत ही बारीकी एवं काफ़ी स्पष्टता से की गई है, ताकि सभी राम भक्तों को जितने भी शिखर हैं वह स्पष्ट रूप से दिखाई दें। और इनमें और भी अधिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए इनके सभी शिखरों पर त्रिशूल की आकृति बना दी गई है। और आप यहां देख सकते हैं कि रंग मंडप के ठीक बगल में जय श्री राम का कटआउट भी लगा है, एवं इसके ठीक नीचे दोनों ओर यहां पर तितली की अद्भुत संरचना बनी हुई है। और इसको पीली रोशनी से यह काफ़ी अधिक मनमोहक एवं दिव्य प्रतीत होती है। राम मंदिर के साथ साथ संपूर्ण अयोध्या को भी त्रेतायुगीन स्वरूप में बड़ी ही भव्यता के साथ सजाया और संवारा गया। और प्रधानमंत्री के आगमन से ही संपूर्ण अयोध्या में उत्साह का माहौल था। और यहाँ पर बेहतरीन अद्भुत लाइटिंग से संपूर्ण धर्मपथ मार्ग को बहुत ही सुंदर रोशनी से पूरी तरीके से जगमग कर दिया गया। और यहाँ पर जो अद्भुत अलौकिक स्वरूप है इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और एक समय था जब अयोध्या विकास के लिए तरसती थी, लेकिन अब अयोध्या के दिन बदल गए हैं। राम मंदिर निर्माण कार्यों के बाद अयोध्या की लोकप्रियता का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हैं कि
कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या देश के किसी भी धार्मिक स्थल अथवा किसी भी अन्य धार्मिक स्थलों की तुलना में सबसे अधिक मानी गई है और यहाँ पर लगभग 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक संपूर्ण अयोध्या एवं रामलला के दर्शन अब तक प्राप्त कर चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यों के बाद अयोध्या में उत्साह का ऐसा माहौल है कि अयोध्या वासियों के साथ साथ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया है और वे नाच गा करके प्रभु श्री राम लला को बड़े ही सहज ढंग से स्मरण करते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दुल्हन की तरह सजी अयोध्या में प्रधानमंत्री के भव्य आगमन की सूचना प्राप्त होते ही संपूर्ण अयोध्या में भारी उत्साह का माहौल देखा गया और यहाँ पर जय श्री राम के उद्घोष, शंखनाद, घंटे घड़ियाल की ध्वनि, आचार्यों की वैदिक ऋचाओं के वाचन तथा लोगों की उल्लासित भंगिमा ने इस उष्णता यानी गर्मी को काफ़ी अधिक प्रभावहीन कर दिया, क्योंकि अयोध्या में वर्तमान में तापमान काफ़ी अधिक होने के कारण यानी भीषण गर्मी होने की वजह से यहाँ पर श्रद्धालुओं का उत्साह कदापि कम नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर भारी उत्साह देखा जा रहा है और अयोध्या के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं अयोध्या वासियों ने दिल खोलकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया। दोस्तों, प्रभु श्री राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के अद्भुत अलौकिक स्वरूप के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। 500 वर्षों के त्याग, बलिदान एवं संघर्षों के पश्चात आज प्रभु श्री राम का मंदिर हमें दिव्य अलौकिक रूप में विराजमान दिख रहा है, तो इसके निर्माण कार्यों का जो सबसे बड़ा श्रेय है उसे देने में हमें किसी भी प्रकार की कृपणता नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि इसके निर्माण कार्यों का पूरा श्रेय आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिनकी इच्छा शक्ति की बदौलत ही न्यायपालिका में इतने वर्षों तक पेंडिंग केस को किसी तरीके से सॉल्व किया गया। तथाकथित सेकुलरवादियों के द्वारा राम मंदिर निर्माण कार्यों को बाधित करने के लिए अनेक प्रकार से षड्यंत्र रचे गए और यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं के द्वारा छद्म सेकुलरवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राम मंदिर निर्माण कार्यों को जबरन बाधित किया गया और इसमें अड़ंगा लगाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास किए गए और जिनके लिए पूरा देश उनको कभी भी माफ नहीं करेगा। राम के नाम की गरिमा कुछ ऐसी है कि हम एक दूसरे को अभिवादन भी राम के नाम से करते हैं एवं जीवन की जो अंतिम यात्रा है वह राम से ही संचालित होती है, यानी प्रभु श्री राम हमारे हृदय में रचे बसे हैं और हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि इतने वर्षों तक प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कार्य नहीं हो पाया। जिस मंदिर को काफ़ी अधिक भव्यता प्रदान की जानी थी उसको बनाने में ही इतने वर्ष लग गए और अब भी जो राम मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है वह केवल 30% ही निर्माण कार्य अब तक हो पाया है और इसको बनने में लगभग 3 से 4 वर्षों का समय लग सकता है और L&T के साथ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का जो करार है वह 2030 तक का है, यानी 2030 तक इन निर्माण कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे निर्माण कार्य होने हैं जिनकी रूपरेखा भी अभी तक नहीं बनाई जा सकी है और अभी वर्तमान में परकोटा एवं शिखर निर्माण कार्यों पर ही मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि राम मंदिर के बहुत ही छोटे हिस्से को ही आप देख रहे होंगे, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी निर्माणाधीन है। मेरा राम मंदिर के निर्माण कार्यों की सूचना देने का जो मुख्य उद्देश्य है वह भक्तिभाव से जुड़ा हुआ है और यह आत्मीयता एवं प्रभु श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति को प्रदर्शित करता है। अतः राम मंदिर को राष्ट्र मंदिर
बनाने की जो हमारा संकल्प है, जो हमारी संकल्पना है, उसको सत्य सिद्ध करने के लिए आप सभी का सहयोग एवं समर्थन अति आवश्यक है। दोस्तों, प्रभु श्री राम के दिव्य अलौकिक मंदिर के भव्यतम स्वरूप एवं अयोध्या के त्रेता युगीन दिव्य स्वरूप के विषय में हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस चैनल का हृदय से समर्थन करें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें एवं कमेंट बॉक्स में पूरी आत्मीयता से जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। राम राम। राम राम।